नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, और उस योजना का नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। जैसा कि आप लोगों ने विभिन्न संचार के माध्यमों से पता किया होगा या आप लोगों ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुना होगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में एक नई योजना शुरू की गई है और उस योजना का नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। अब ये योजना न केवल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट, बल्कि राजस्थान का हर वो आम नागरिक जो राजस्थान में निवास करता है उसके लिए इस योजना के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि आप नहीं तो आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो इस योजना से लाभान्वित होने वाला है। और जब आप लोगों को इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति यदि आप लोगों से इस योजना के बारे में पूछे तो आप उसको उचित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस योजना की, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस योजना से जुड़ी तमाम वो जानकारी जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले के साथ साथ राजस्थान के आम नागरिक के पास होनी चाहिए उन तमाम जानकारियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में अंत तक, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की। तो चलिए शुरुआत करते हैं योजना की, और योजना का नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। पहला प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए कि इसकी घोषणा कब की गई। इसकी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में। बजट 2022-23 जो था उसमें इस योजना की घोषणा की गई थी, और प्रारंभिक जो इस योजना का नाम था वो था मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। अब वर्ष 2023 में इस योजना का जो नाम है वो परिवर्तित करके और क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। अब सबसे पहला प्रश्न कि इसकी घोषणा कौन से बजट में की गई, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसकी घोषणा जो थी वो पिछले बजट में हो गई थी। 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा नहीं की गई है, इसकी घोषणा जो की गई थी वो आपकी 2022-23 के बजट में की गई थी। तो पहला प्रश्न आप लोगों को जो कन्फ्यूज कर सकता है वो इसकी घोषणा को लेकर है। अब इस योजना की शुरुआत, होती है 10 अगस्त 2023 को। 10 अगस्त 2023 को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा इस योजना की शुरुआत की जाती है। तो प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत कब हुई, तो हम लोगों का आंसर होगा 10 अगस्त 2023। यह इस योजना के प्रथम चरण की शुरुआत होती है। शुरुआत कहाँ से हुई तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बिड़ला ऑडिटोरियम, जो कि कहाँ पड़ता है, जयपुर में। और इस योजना की शुरुआत किसने की थी, तो हम लोगों का आंसर होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है श्री अशोक गहलोत, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। 10 अगस्त के दिन डिजिटल सखी हैंडबुक जो है उसका विमोचन किया गया था, जो कि इस योजना की जो लाभान्वित महिलाएं और छात्राएं हैं उनको एक हैंडबुक भी दी जाएगी। और उस हैंडबुक का जो नाम है, उस हैंडबुक का नाम है आपका सिखाओ डिजिटल। फिर अगला प्रश्न आता है, ये जो योजना है इस योजना की थीम क्या है, तो इस योजना की थीम है ज्ञान ही शक्ति है। आगामी एग्जाम्स में इन दोनों कोटेशन में से कोई एक कोटेशन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पहला हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो डिजिटल सखी हैंडबुक दी जा रही है उसका नाम क्या है, सिखाओ डिजिटल। साथ ही साथ इस योजना की थीम क्या है, तो हम लोगों का आंसर होगा ज्ञान ही शक्ति है। आगे बात करते हैं इस योजना में लाभान्वित कौन कौन होंगे। तो इस योजना में राजस्थान की महिलाएं और राजस्थान की छात्राएं, राजस्थान की महिलाएं प्लस राजस्थान की जो अध्ययनरत छात्राएं हैं वो इस योजना के अंतर्गत पात्र है। अब कौन कौन पात्र है उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी हम केवल और केवल
कौन कौन पात्र है उस पर बात कर रहे हैं। फिर पहले चरण में इसमें जो लाभान्वित महिलाएं हैं उनकी संख्या होगी 40 लाख। कितनी होगी? 40 लाख। लेकिन राजस्थान में कुल जो लाभान्वित महिलाएं होगी उनकी संख्या होगी 1 करोड़ 35 लाख। 1 करोड़ 35 लाख। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और वो शुरुआत हुई है 10 अगस्त 2023 को। पहले चरण में लाभान्वितों की संख्या, तो हम लोगों का आंसर होगा 40 लाख। अब कि इसके अंतर्गत हम लोगों के पास ऑप्शन क्या क्या रहेंगे, यानी हम लोग कौन सा ऑपरेटर चूज कर सकते हैं, तो आप लोगों के सामने विभिन्न ऑप्शन रखे जाएंगे। आप चाहो तो सरकारी ऑपरेटर जिसको हम BSNL बोलते हैं, साथ ही साथ निजी ऑपरेटर को भी चूज कर सकते हैं। तो सरकारी और निजी दोनों प्रकार के ऑपरेटर आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। आप लोगों को चॉइस दी जाएगी कि आप लोग कौन सा नेटवर्क रखना चाहते हैं, उस प्रकार से आप इसमें नेटवर्क को चूज कर सकते हैं। फिर आगे बात आती है कि इस योजना के अंतर्गत अनुदान कितना दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, इस योजना के अंतर्गत कुल जो अनुदान दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा 6800 रुपये। कितने रुपये? 6800 रुपये। 6800 रुपये का कुल अनुदान दिया जाएगा। इसमें से यदि हम बात करें स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन के लिए आप लोगों को जो अनुदान दिया जाएगा वो अनुदान दिया जाएगा 6125 रुपये। कितना? 6125 रुपये। ये आपका बहुत ही बेहतरीन फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। पहला प्रश्न, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि दी जा रही है, तो हम लोगों का आंसर होगा 6800 रुपये। और दूसरा प्रश्न बन सकता है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन हेतु कितने रुपए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो हम लोगों का आंसर होगा 6125 रुपये। अब आप बोलोगे सर, आप बोल रहे हो कि कुल रुपए दिए जाएंगे 6800 रुपये, लेकिन आप लोग बता रहे हो कि स्मार्टफोन के लिए 6125 रुपये दिए जाएंगे, तो बाकी जो रुपए बच गए, यानी बाकी बच गए आपके पास कितने रुपए? 675 रुपये। तो ये 675 रुपये जो है ये किसके लिए दिए जाएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये 675 रुपये जो है ये आप लोगों को दिए जाएंगे डाटा के लिए। किसके लिए दिए जाएंगे? डाटा के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? 675 रुपये। तो इस प्रकार से आप टोटल देख सकते हो कि इनका टोटल कितना हो रहा है, 6800 रुपये। अब 675 रुपये दे दिए, तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर 675 रुपये से तो हमारा 2 माह का रिचार्ज होता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न जो ऑपरेटर है उनके द्वारा जो विभिन्न रिचार्ज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनमें यदि हम लोग देखें तो 1 महीने का जो रिचार्ज होता है वो लगभग 300 रुपये के लगभग का होता है। तो ऐसे में 675 रुपये से तो आपके 2 महीने निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो 675 रुपये है, इन 675 रुपये की मदद से आपको 9 माह का डाटा मिलेगा। कितना डाटा मिलेगा? 9 माह का डाटा मिलेगा। अब ये आपके सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो सीधे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न क्या कि इससे कुल लाभान्वित कितनी महिलाएं होगी, तो हम लोगों का आंसर होगा 1 करोड़ 35 लाख। दूसरा फैक्चुअल क्वेश्चन, पहले चरण में लाभान्वितों की संख्या, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 40 लाख। फिर यहाँ पे ऑपरेटर यानी आपका जो नेटवर्क है उसका क्या ऑप्शन रहेगा, तो सरकारी और निजी दोनों में से आप जो चाहो वो नेटवर्क ले सकते हो। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, कुल कितना अनुदान दिया जा रहा है, तो हम लोग आंसर करेंगे 6800 रुपये। लेकिन इसमें से फोन के लिए कितने रुपये दिए जा रहे हैं, तो 6125 रुपये दिए जा रहे हैं। डाटा के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा 675 रुपये। और ये जो 675 रुपये है इसकी सहायता से हमें डाटा जो मिलेगा वो कितने माह का मिलेगा, 9 माह का। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत जो डाटा प्रदान किया जा रहा है वो कितने माह के लिए किया जा रहा है, 9 माह के लिए। अब देखो, राजस्थान सरकार यहीं नहीं रुकी, राजस्थान सरकार ने आगे घोषणा की कि आगामी जो दो वर्ष है यानी 2024 और 2025 के लिए, यानी आगामी दो वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 900 रुपये दिए जाएंगे। प्रतिवर्ष कितने रुपए दिए जाएंगे? 900 रुपये प्रतिवर्ष आप लोगों को दिए जाएंगे, जिससे आप लोगों को एक वर्ष का, कितने वर्ष का, एक वर्ष का डाटा फ्री मिलेगा। तो इस प्रकार से राजस्थान सरकार टोटल 3 साल का, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का डाटा हम लोगों को उपलब्ध करवा रही है। और वो किसके माध्यम से उपलब्ध करवा रही है? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से। अब आपने कहा कि सर मान लो हम वहाँ फ़ोन लेने के लिए गए और हमें वो जो फ़ोन दिखा रहे हैं, हालांकि इसमें इन्होंने टोटल आपके सामने 5 ऑप्शन रखे जाएंगे, मान लो इन 5 ऑप्शन में से आपको कोई सा भी ऑप्शन पसंद नहीं आता है,
तो आप अपनी मनपसंद का फ़ोन ले सकते हैं, आप अपनी मनपसंद का फ़ोन ले सकते हैं। यदि आपको सरकार द्वारा जो 5 फ़ोन दिए जा रहे हैं, जिनमें 2 नोकिया के फ़ोन हैं, 1 एमआई का फ़ोन है, 1 आपका रियलमी का फ़ोन है और 1 आपका सैमसंग का फ़ोन है, तो मान लो अगर आपको उनमें से कोई फ़ोन पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपना मनपसंद फ़ोन भी वहाँ ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि उसके एक्स्ट्रा जो भी रुपए लगेंगे, एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त जो भी रुपए लगेंगे वो उपभोक्ता को पे करने होंगे, यानी जो फ़ोन ले रहा है उसको वो एक्स्ट्रा रुपए पे करने होंगे सरकार को। अब जैसे मान लो आपने फ़ोन लिया 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए में से 6,125 रुपए ये तो आपको देगी सरकार, 6,125 रुपए कौन देगी, सरकार देगी। लेकिन बाकी जो रुपए बच गए आपके, वो बाकी रुपए किससे लिए जाएंगे, वो उपभोक्ता से लिए जाएंगे, जो फ़ोन चूज करने वाला है उससे लिए जाएंगे। तो हमारे सामने मनपसंद फ़ोन लेने का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसमें सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जाएगा वो आपको 6,125 रुपये का दिया जाएगा। अब जैसे ही आप लोग फ़ोन लेने के लिए जाते हैं, सरकार क्या करेगी, आपके अकाउंट में यानी आपका एक ई वॉलेट अकाउंट बनाएगी, ई वॉलेट अकाउंट बनाया जाएगा और सरकार उस ई वॉलेट अकाउंट में 6,800 रुपये ट्रांसफ़र कर देगी। अब ये 6,800 रुपये आपके डायरेक्ट डीबीटी पे, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी सीधा उपभोक्ता के खाते में आएंगे और यहाँ से उपभोक्ता जो होगा वो स्मार्टफोन के लिए 6,125 रुपये पे करेगा तो उसको स्मार्टफोन मिल जाएगा, अगर सरकार वाला फ़ोन ही लेना चाहे तो। अगर दूसरा फ़ोन लेना चाहे तो उसको एक्स्ट्रा पे करना होगा और एक्स्ट्रा पे करके अपना मनपसंद फ़ोन ले सकते हैं। फिर 675 रुपये पे करके, ये जो आपका ई वॉलेट होगा इससे आप 675 रुपये पे करोगे और आपको डाटा मिल जाएगा कितने महीने का, 9 महीने का। आगे बात करते हैं कि इसके जो लाभार्थी है वो लाभार्थी कौन है, तो लाभार्थी में हम लोगों ने देखा कि राजस्थान की निवासी, राजस्थान की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के साथ साथ राजस्थान की जो अध्ययनरत छात्राएं हैं वो इसके लिए पात्र हैं, अध्ययनरत छात्राएं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो योजना है इस योजना के लिए योग्यता क्या होगी, तो योग्यता ये होगी कि पहली योग्यता तो ये है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो, राजस्थान की मूल निवासी महिला या छात्रा इस योजना हेतु पात्र है। फिर आगे कि ये जो पात्रता है, इस पात्रता की शर्तें क्या क्या है, तो ध्यान रखना पात्रता के अंतर्गत यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान में चिरंजीवी परिवार की जो मुखिया है, परिवार की मुखिया वो इसके लिए पात्र है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राजस्थान में कक्षा 9 से लगा के 12वीं तक जो अध्ययनरत छात्राएं वो भी इसके लिए पात्र है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा में, यानी कोई लड़की मान लो कॉलेज कर रही है, चाहे यूजी कर रही हो, चाहे पीजी कर रही हो, या आईटीआई कॉलेज कर रही हो, या पॉलिटेक्निक कॉलेज कर रही हो, तो उच्च शिक्षा के लिए अध्ययनरत जो छात्राएं हैं, चाहे वो आपकी सामान्य शिक्षा विभाग की हो चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग की हो, वो भी क्या होगी, इसके अंतर्गत पात्र होगी। और कौन कौन पात्र होंगे सर, और पात्रों की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत विधवा और एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं। फिर आपके यहाँ 2 योजनाएं चल रही है, एक योजना चल रही है मनरेगा योजना, कौन सी योजना, मनरेगा योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल रही है, और एक चल रही है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत यदि हम बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा ने जिन्होंने 100 दिवस कार्य किया है, कितने दिवस, 100 दिवस कार्य किया है, वो महिलाएं इसे तो पात्र होगी। साथ ही साथ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है, इसमें 50 दिवस जिसने कार्य पूर्ण कर लिया है वो महिलाएं इस योजना हेतु क्या होगी, पात्र होगी। आगे बात करते हैं कि इसमें आवेदन कैसे किया जा सकता है, तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन। आवेदन जो किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, ऑफलाइन किया जाएगा। इस हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर बोल दो, चाहे आप खंड स्तर बोल दो, या आप इसको पंचायत समिति स्तर बोल सकते हो, पंचायत समिति स्तर पर
राज्य सरकार के द्वारा कैंप आयोजित किए जाएंगे, शिविर आयोजित किए जाएंगे। उस शिविर में आप लोगों को सहायता के लिए सरकारी कर्मचारी होंगे और सरकारी कर्मचारियों के साथ ही आप लोगों को राजीव गांधी युवा मित्र जो होंगे, राजीव गांधी युवा मित्र, वो भी आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। अब इसके लिए दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, तो दस्तावेज में मुख्य दस्तावेज जो है वो आपका है आधार कार्ड, यानी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के अलावा आपकी दो फ़ोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड के अलावा आपकी एक फ़ोटो लगेगी। और आपका अगर आप मनरेगा या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र है तो आपका जो जॉब कार्ड है वो जॉब कार्ड लगेगा, या आपका जन आधार कार्ड, ये आपके डॉक्यूमेंट्स है जो इस योजना के लिए आप लोगों को चाहिए। और मान लो कोई बालिका ऐसी है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जिसकी आयु क्या है 18 वर्ष से कम, तो उसको यदि फ़ोन लेना है तो अब उसके साथ जो जन आधार कार्ड इसकी जो महिला मुखिया है, महिला मुखिया, उसको इसके साथ जाना होगा। तो वो जाके और 18 वर्ष से कम की अध्ययनरत जो छात्रा है उसको ये फ़ोन दिलवा सकती है। फिर आगे बात आती है, सर ये फ़ोन ठीक है मिल गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका सीधी सी बात है कि यदि हम बात करें इस योजना के उद्देश्य की, तो इस योजना का उद्देश्य है राजस्थान में अध्ययनरत जो छात्राएं हैं उनको डिजिटल शिक्षा में जोड़ना, डिजिटल शिक्षा प्रदान करना, किसको, जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनको, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण, ताकि महिलाओं के पास फ़ोन होगा तो महिलाओं को राजस्थान सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी, और उन योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी तो महिलाएं जागरूक हो पाएगी कि राजस्थान सरकार के द्वारा उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो इस प्रकार से ये हमारी योजना थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। शॉर्ट में यदि हम देखें तो इसकी घोषणा हुई थी 2022-23 के बजट में। फिर पहले इसका नाम हुआ करता था मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। वर्ष 2023 में हमने इस योजना का नाम चेंज किया और इस योजना का नाम कर दिया इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना। अब इसका जो फर्स्ट चरण है, इस फर्स्ट चरण की शुरुआत होती है 10 अगस्त 2023 को, और शुरुआत होती है बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर से। उसके बाद इस दिन इसका जो डिजिटल सखी हैंडबैग है, हैंडबैग जो है इसका, हैंडबुक जो है डिजिटल सखी हैंडबुक, उसका विमोचन किया गया था और उसका नाम था सिखाओ डिजिटल। आगे हम लोगों से पूछा जा सकता है कि इसकी जो थीम थी वो थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी ज्ञान ही शक्ति है। थीम क्या थी? ज्ञान ही शक्ति है। आगे यदि हम बात करें तो ये राजस्थान की महिलाओं और छात्राओं के लिए है। फिर इस योजना के अंतर्गत कुल राजस्थान की 1.35 करोड़ या यूं बोलें 1 करोड़ 35 लाख महिलाएं जो होगी वो लाभान्वित होगी। लेकिन प्रथम चरण की यदि हम बात करें तो प्रथम चरण में कुल 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपकी राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम था इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, ये योजना आपकी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी है, राजस्थान के जागरूक नागरिक होने के नाते आप इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिससे राजस्थान का हर वो परिवार जो इस योजना से लाभान्वित होना चाहता है उन तक इस योजना का फ़ायदा मिल सके और वो इस योजना के बारे में जागरूक हो सके कि उनको जो डिजिटल फ़ोन प्राप्त करना है ये फ़ोन उनको किस प्रकार से प्राप्त होगा, ये स्मार्टफोन वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट आपका इसमें बच गया था कि ये जो योजना है इसके अंतर्गत आपको राशि कितनी दी जाएगी, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत टोटल 6800 रुपये की राशि दी जाएगी, लेकिन उसमें से 6125 रुपये आपको मिलेंगे फ़ोन के लिए और 675 रुपये जो है वो आपको मिलेंगे फ़ोन में डाटा के लिए, और ये डाटा आपका रहेगा कितने माह के लिए, 9 माह के लिए। फिर आगामी जो 2 वर्ष है उसमें राजस्थान सरकार आपको 900 रुपये प्रतिवर्ष
₹900 प्रतिवर्ष डाटा हेतु देगी। तो इस प्रकार से ये आपकी योजना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस योजना को अपने सभी मिलने वालों तक शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।